हे गाइस, दिस इज बॉय शुभम दिवाकर, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हमें मेरे कॉलेज MET यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश ग्वालियर, बहुत सी वीडियो देखी होंगी आपने इंस्टाग्राम पे, MET, हे आई एम स्टडिंग इन MET यूनिवर्सिटी, आई एम फाइनल ईयर स्टूडेंट एंड परस्यूइंग BTech फ्रॉम MET यूनिवर्सिटी मध्य। ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाने वाला मैं, आज बनेगी पूरी फन ब्लॉग होगा। फन तो नहीं, मतलब दिखा दूंगा आपको जो भी है, जो MET की सच्चाई ब्लॉग, हैशटैग सच्चाई ब्लॉग। सो गाइस, बेसिकली MET में तीन ब्लॉक्स हैं, एक है ए और एक है बी, एक और सी। ए ब्लॉक है पूरा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, बी ब्लॉक है जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह होती हैं, और सी ब्लॉक है जिसमें लॉज वगैरह स्टडीज होती है। सो गाइस, आज मैं आपको ये तीनों ब्लॉक्स दिखाऊंगा, अंदर की क्लासेस हो सकता है, अगर अभी तो कोरोना है, मैं अभी अपना जो ID कार्ड है वो जमा करने आया हूँ। फाइनल मेरी डिग्री हो चुकी है BTech यहाँ से। सो गाइस, आगे का जो प्रोसेसर होगा वो दिखाऊंगा, पूरा MET आपको घुमाऊंगा। दिखा रहा हूँ MET क्लासेस कैसी होती हैं, लेक्चर रूम। सो एक ये बाहर से दिखा रहा हूँ, ताले लगे हुए हैं, एक ये लेक्चर रूम, मतलब आइडिया हो गया होगा आपको कि क्लासेस कैसी होती हैं, ठीक है, आइडिया हो गया होगा आपको कि क्लासेस कैसी होती हैं। और ये फैकल्टीज का रूम है, और एक कैमरे और ये कैमरे लगे हुए थे, ठीक है। और हमारे यहाँ की मैं बता रहा हूँ, पूरे MET की सबसे बेस्ट कैंटीन है यहाँ पे, ये नई जो बनी हुई है, जो कि अभी बंद है, तब खुल जाएगा सेशन, तब देखना। बहुत धासु कैंटीन है ये, एक तरीके से आप बिल्कुल लग्जरी फील करोगे यहाँ पर। तो यही है, पैसा बहुत है भाई MET पे। तो गाइस, ये था कुछ ए ब्लॉक का सीन, और यहाँ पे हम लोग अपनी गाड़ियाँ पार्क करते हैं। ये पूरा पार्किंग स्टेशन है, यहाँ पे बस भी पार्क होती है, छोटी वाली, बड़ी वाली जो बसें होती हैं वो दूसरे एरिया में पार्क होती हैं। और ये कुछ गार्डन का सीन है, ये कुछ हरियाली का सीन है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये पूरा ए ब्लॉक है, वो वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, मतलब सिक्योरिटी तो एक नंबर है। हाँ, क्लासरूम के अंदर कोई सिक्योरिटी नहीं होती, ठीक है, तो वहाँ आपको अवेयर रहना है, लेकिन बाहर तो पूरी सिक्योरिटी, आपकी गाड़ी से एक पत्ता तक नहीं हिलेगा, पत्ता हिलेगा तो वो भी पता पड़ जाएगा अपने MET कैमराज के थ्रू, ठीक है। और अब आपको दिखाता हूँ दूसरे ब्लॉक्स, बाहर से दिखा पाऊँगा क्योंकि यार MET बंद चल रहा है अभी, सो कोरोना का खतरा है, तो अभी ये लोग जान दे रहे हैं। वैसे भी मेरा जिस काम के लिए आया था वो काम यहाँ पर नहीं होना है, वो होना है कहीं और, तो वहाँ पे भी चलेंगे, वहाँ पे भी दिखाऊंगा आपको। अब दिखाता हूँ आपको बी ब्लॉक सी ब्लॉक, जल्दी से दिखाते हैं, फिर जल्दी से चलते हैं, ठीक है। और अब मैं दिखाता हूँ, ये एक्चुअली ए ब्लॉक जाने के लिए बहुत सारे गेट हैं, और जो मेन गेट इसका वो है, वो ये है, तो ये है ए ब्लॉक का गेट। और ये हमारा MET का ग्राउंड है, ओ वाह, यहाँ पे इन लोगों ने बाउंड्री बना दी है झाड़ियों से, शाबाश। पहले ही यहाँ पे ये बाउंड्री नहीं थी,
जो अभी बना दी है इन लोगों ने, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, अब और अच्छा निखार रहे हैं वीडियो। सही, हमारे जाने के बाद ही सब हो रहा था क्या यार, डिस्टर्बल डे भी नहीं दिया इन लोगों ने, पता है आपको, और हमारी फेयरवेल भी नहीं हुई है क्या यार कोरोना। और ये हमारा पूरा ग्राउंड है, यहाँ पे बहुत सारे मैचेस खेले हुए हम लोगों ने। और ये जो MED के ये हॉस्टल्स हैं H1 H2, ये गर्ल्स हॉस्टल है, पीछे ये गर्ल्स हॉस्टल है और इसके पीछे बॉयज़ हॉस्टल है, मतलब अच्छी खासी फैसिलिटी है। तो और अब हम दिखाएंगे आपको यहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये रहा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, ये बास्केटबॉल ग्राउंड सब में, और यहाँ से हम लोग अपनी बॉल वगैरह बैट वगैरह इशू कराते हैं। और ये स्पोर्ट्स रात में बहुत प्यारा सीन लगता है यहाँ पे, पता है आपको, मज़ा आता है रात में खेलने, बैडमिंटन खेलते थे रात में बड़ा, मैं तो खेला नहीं हूँ लेकिन रात तक रुका जरूर। और ये टेनिस कोर्ट है यहाँ पे, और ये हॉस्टल है सामने, वो पहाड़ी वाला क्षेत्र है ये, और क्षेत्र के पास ही बना हुआ प्यारा सा MED यूनिवर्सिटी। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर तो यार एक नंबर है, आपको मज़ा आ जाएगा, 4 साल तक आप बोर नहीं होंगे कि क्या है कहाँ जा रहे हैं, खूब मस्ती होने वाली है यहाँ पे, जैसे आप जैसा कि आप देख सकते हो। लाइटिंग वाइटिंग सब व्यवस्था, और ये चिल्लर ब्रांड है, चिल्लर ब्रांड क्या है, यहाँ सेंट्रल AC है, यहाँ से ही पूरे AB और C ब्लॉक में पूरी सेंट्रल AC की जो प्रोवाइड है। और ये है हमारा स्कॉर्पियन कैफ़े, यहाँ पे लोगों को डस लेते हैं। और ये अमूल का पार्लर है, जो स्कॉर्पियन जो कैफ़े है यहाँ पे आपको सब मिलेगा, पिज़्ज़ा से लेकर पराठे तक सब कुछ मिलता है यहाँ पे। और ये सी ब्लॉक का ये मेन गेट, ये सी ब्लॉक का जो मेन गेट है, यहाँ से अपन जाते हैं, सी ब्लॉक ओपन है। मतलब यार पहली बार में आओगे ना आप, ऐसे आपके एक्सप्रेशन होंगे, मतलब काफ़ी नंबर, एक नंबर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक नंबर। और जो यहाँ की खूबसूरती है वो देखने ही बनती है। आप सोच रहे होंगे यार तू बाइक भी सब कुछ दिखा रहा है, यार मैं उतर नहीं सकता, कि आपके गार्ड्स भी बहुत मतलब बहुत दिमाग ख़राब करते हैं। अगर आप सलमान खान के फैन है सर के गार्ड्स, यहाँ के गार्ड्स भाई बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है सब कुछ यहाँ पे। तभी मैं यहाँ से आ रहा था, तभी लोग किया क्या जा रहे हो, और हम जा रहे हैं अब आपको बी ब्लॉक दिखाऊंगा। जो बी ब्लॉक है ना वो जन्नत है, जन्नत क्यों है वो मैं आपको अभी नहीं दिखा सकता क्यों है जन्नत, लेकिन जन्नत है। चल झूठा मीडिया का नज़ारा, पीछे से आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू आ रहा है। और ये मेरे सामने है वो ये बी ब्लॉक है, पूरा बी ब्लॉक काफ़ी जो सबसे बेहतरीन बने हुए हैं यहाँ के ब्लॉक हैं वो है बी ब्लॉक और सी ब्लॉक। आपको मतलब ऐसी रॉयल वाली फीलिंग आती है जब आप घुसते हो, अरे मज़ा आ गया सब। मैं बता दूँ, अगर आप पहली बार आओगे यहाँ पर तो आपका जो एक्सपीरियंस होगा ना एक नंबर का होगा, फिर आपको आ रहा तो फिर कहोगे यार ये मीडिया है कुछ नहीं, ऐसा वो लगता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। और अब मैं आपको दिखाऊंगा बी ब्लॉक। एक्चुअली क्या है, मैं चल के नहीं दिखा सकता, गार्ड्स बहुत उंगली करेंगे, इसलिए मैं आपको गाड़ी पे दिखा रहा हूँ। एक्चुअली अब हम यहाँ से निकलने का प्लान बना रहे हैं, सो जो कुछ बस आपको दिखा सकता हूँ, एक ओवरव्यू देख सकता हूँ कि क्या है कैसे है, क्या है। तो ये बी ब्लॉक है, ठीक है, बी ब्लॉक में भी वो वैसी ही क्लासरूम है, एक्चुअली वैसे भी हैं और लेक्चर रूम भी है, एक होता है क्लासरूम, एक होता है लेक्चर रूम। सो क्लासरूम में क्या होता है कि टेबल लगी होती है, कुर्सी लगी होती है वैसी, और लेक्चर रूम में क्या होता है कि जो आपकी सीट होती है वो फिक्स होती है, और एक बड़ा सा डेस्क होता है, राउंड टेबल में डेस्क होता है, तो वो होता है लेक्चर रूम, ठीक है। और ये जो बी ब्लॉक है यहाँ पे हमारा क्या है, ऑडिटोरियम, एक नंबर का ऑडिटोरियम है, A1 क्लास का है, बढ़िया दिखाता कभी अगर खुलता ये एक बार, कभी भी खुलेगा हमारी जो कहते हैं कॉन्वोकेशन भी होगी तब मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर कि क्या है कैसा है पूरा मीटिंग, तब पूरे हालात सामान्य होते हैं, ठीक है। तो अब अपन चलते हैं घर, और जो भी थोड़ा बहुत व्यू है वो मैं आपको दिखाता हूँ, बस ये 3 ब्लॉक थे, अब अंदर तो मैं जा नहीं सकता। तो गाइस अब चलते हैं बाहर की तरफ, यही था जो बिल्डिंग थी वही दिखानी थी मेरे को,
अब और ज़्यादा मैं दिखा ही नहीं सकता यार, मजबूर हूँ मैं। ठीक है, तो अब चलते हैं, बाइक पे बैठते हैं। और ये मेरा भाई, बाइक के साथ आया हुआ था मैं। ग्वालियर, और मैंने आपको जैसा बताया वैसे ही है। अब ज़्यादा मैं बता नहीं पाया कोरोना की वजह से। प्रमोशन मैं कर रहा हूँ, वहाँ कर रहा हूँ, क्योंकि 4 साल मैंने बिताए, एक्सपीरियंस मेरा है, डिग्री मुझे मिल चुकी है, जॉब मेरे हाथ में है। सो स्टूडेंट तो हूँ मैं, इसलिए मैं अच्छे से आपको बता सकता हूँ। सो गाइज, अगर आप सोच रहे हो कुछ अच्छे से कोर्स करने के लिए, तो आइए यहाँ पर करिए। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है, इन लाइफ अच्छी है, स्टूडेंट लाइफ जो होती है वो बेहतरीन है। बट हाँ, थोड़े रिस्ट्रिक्शंस हैं, डिसिप्लिन भी बहुत करता हुआ है यहाँ पे, तो वही चीज़ है। तो आप मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय, खुदा। तो लास्ट अमानत हमारी। सो गाइस, ये मेरे नरेंद्र सर, जो सर आप क्या करते हो एमआईटी में, आप क्या हो? हाँ, मैं पूरा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का क्लरिकल जॉब पूरा संभालता हूँ, इंक्लूडिंग स्टूडेंट रिकॉर्ड, फैकल्टी रिकॉर्ड एंड ऑल एकेडमिक। तो नरेंद्र सर ने मेरे 4 सालों में काफ़ी मदद करी है, जो भी सारा काम होता है हम लोग सर से ही, सर को ही परेशान करते हैं हमेशा। और अभी ड्यूटी भी है बच्चों की पूरी हेल्प करना, और मैं पूरी मदद करने में हमेशा तैयार रहता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट हैं जो हमारे असेट हैं, रियली असेट यही होते हैं, जो हमारा यूनिवर्सिटी की मतलब इनके बिना अधूरी है। तो सर के घर पर आया हुआ था मैं कार्ड वगैरह देने का, तो बस अब यही है सब। और अब सर चल दें घर। सो गाइज, अगर आप अटेंडेंस का 75% का डंडा खा सकते हो और अपने 9 से 5.5 कुर्बान कर सकते हो, तो एमईटी इज़ अ गुड चॉइस फॉर यू, डेफिनेटली।